हेलो पटना, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पटना ब्लॉगर्स। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पटना के टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। पटना का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारा पटना का आईआईटी पटना। ये जो आईआईटी पटना है ये पटना के सैटेलाइट टाउन बिहटा में स्थित है। इसकी दूरी पटना एयरपोर्ट से लगभग 22 किलोमीटर के करीब में है। आप यहाँ पे पटना एयरपोर्ट से प्राइवेट गाड़ियों से पहुँच सकते हैं या फिर आप पटना एयरपोर्ट से जो है वो आप ओला बुक करके भी आप यहाँ जा सकते हैं या फिर यहाँ पहुँचने के लिए सिटी बसेस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो बीटेक की पढ़ाई होती है। बीटेक में यहाँ पे सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। पटना का दूसरा जो है वो सेकेंड बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है वो है एनआईटी पटना, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। ये पटना के महेंद्रू घाट पे स्थित है। यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं ऑटो से या फिर सिटी बसेस से या आप अपने आप कन्वेंस से भी आप पहुँच सकते हैं। यहाँ पे जो है वो 4 ईयर्स बीटेक की पढ़ाई होती है और ये जो एनआईटी पटना है, एनआईटी पटना का भी ऑल इंडिया रैंकिंग जो है वो है आपका 15, मतलब कि ऑल इंडिया एनआईटी में 15th रैंक पे है। यहाँ पे आप बीटेक कर सकते हैं सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे आती हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज आती हैं और वो आपको एवरेज 10-15 लाख का एनुअल पैकेज देती हैं। हमारे इस रैंक में थर्ड रैंक पे जो है वो मैंने रखा है बीआईटी को, यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बीआईटी पटना जो है ये आपका जो है वो फुलवारी शरीफ में पटना एयरपोर्ट के पीछे में स्थित है। यहाँ पे भी आप पहुँच सकते हैं बाई ऑटो रिक्शा। और यहाँ भी मैं बता दूँ, सबसे पहले तो मैं बता दूँ ये जो बीआईटी पटना का जो कैंपस है ये पटना में एक्सटेंशन सेंटर है, मतलब कि ये जो मेसरा का जो है एक्सटेंशन सेंटर पटना में खुला हुआ है बीआईटी पटना। इसके शानदार कैंपसेस आपका स्वागत कर रहे हैं, यहाँ भी आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। बीआईटी पटना भी इंडिया के टॉप 40 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में शामिल है और यहाँ भी बहुत ही बढ़िया कैंपस सेलेक्शन होता है। यहाँ पे आपके बच्चे को 6-8 लाख का एवरेज पैकेजेस मिलेगा। अब हमने इस रैंक में 4th रैंक पे रखा है एनएसआईटी पटना को, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिहटा पटना। ये जो है बिहटा में स्थित है और यहाँ पे जो है वो जाने के लिए आप सिंपली सिटी बस पकड़ सकते हैं या आप ऑटो रिक्शा से भी जा सकते हैं। हाँ, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एनएसआईटी पटना जो है अपने स्टूडेंट्स को हर रूट्स पे, पटना के हर रूट्स पे आने जाने के लिए बसेस अवेलेबल कराती हैं। और यहाँ पे भी बीटेक के कोर्सेज होते हैं। बीटेक यहाँ पे आप कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से, मैकेनिकल से, और इसके अलावा आप यहाँ पे डिप्लोमा भी कर सकते हैं, 2 ईयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ये भी कई स्ट्रीम्स में यहाँ पे होते हैं। हाँ, तो अब अगला रैंक है जो कि रैंक 5 पे हमारा है, वो है मौलाना आज़ाद इंजीनियरिंग कॉलेज या मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये पहले पटना के अनिसाबाद में था, अब इसकी नई बिल्डिंग, इसकी बहुत ही बड़ी सुंदर कैंपस खुल चुकी है पटना बिहटा रोड पे नेवरा के पास। और इसके बड़े से कैंपस में हॉस्टल फैसिलिटी है, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ हैं और भी कई फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे बीटेक का कोर्स होता है, बीटेक के साथ साथ जो है यहाँ पे डिप्लोमा के भी कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के भी कोर्सेज होते हैं। और आने जाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए बसेस की फैसिलिटी अवेलेबल है। ये पटना का सबसे पुराना प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1987 में मिल्लत सोसाइटी के द्वारा हुई थी। ये पटना का एक आपका माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेज है।